नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। और शुरुआत गंगा प्राइम की बड़ी खबर से। सबसे पहले प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट के वकील को बदमाशों ने गोली मारी है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट के वकील को गोली मार दी गई है। अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनको गोली मारी गई है, बदमाशों ने गोली मारी है। घायल अधिवक्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के घायल अधिवक्ता अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी टकराने के बाद विवाद हुआ और उसमें गोली मारी गई। राजरूपपुर चौकी इलाके के जागृति चौराहे के पास की घटना है, बदमाशों ने गोली मारी है। अधिवक्ता जो कि संयुक्त सचिव है बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अभिषेक शुक्ला, उनको गोली मारी गई है और विवाद गाड़ी टकराने के बाद हुआ, रोडरेज की घटना। बड़ी खबर इस वक्त आपको प्रयागराज से हम दे रहे हैं, गोली मार दी गई, फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच है। अब बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। ये मेरठ से बड़ी खबर, लव जिहाद का मामला सामने। दरअसल धर्म बदलकर युवक ने छात्रा से पहचान बनाई, छात्रा की अश्लील तस्वीरें खींचकर फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, एक और लव जिहाद का मामला। सीधा हमारे संवाददाता बलराम पांडे का ही रुख करते हैं, जो और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। बलराम, कब का मामला और पूरी की पूरी कहानी बताइए। युवक का नाम क्या है, कैसे युवती को फंसाया, फिर क्या क्या किया और पुलिस ने अब तक क्या किया है? देखिए राजीव, ये जो नाबालिग छात्रा है, ये एक मेरठ के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा है और इसको ये युवक लगभग 8 महीने पहले मिला था। नाम बदल के इसने मुलाकात की और फिर उसके बाद इसने उससे दोस्ती बढ़ाई और दोस्ती बढ़ा के उसकी कुछ अश्लील पिक्चरें इसने अपने मोबाइल में खींची और उसके बाद उस छात्रा को ये लगातार ब्लैकमेल करता रहा। और जब इसने मिलने के लिए बुलाया तो वो छात्रा इसके पास गई तो इसने दुष्कर्म का प्रयास किया। उसी दौरान वहां पर पेट्रोलिंग कर रही थी प्रतापपुर पुलिस, जिसने वहां पर हरकत देखी, वहां मौके पर पहुंची और उसी आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। हालांकि छात्रा के बयान पर पुलिस ने FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी युवक है वो नबील अंसारी नाम है इसका और ये लगभग 22 साल का युवक है और उनका कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई हो रही है वो की जा रही है। उसका मोबाइल। अच्छा, बलराम, युवती ने क्या क्या आरोप लगाए, क्या ये इसने अपना क्या नाम बताया था, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसने लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, उसके बाद प्यार के जाल में फंसाया? नहीं राजीव, ये सोशल मीडिया के जरिए नहीं मिला था, ये दरअसल उस स्कूल में एक छात्रा पढ़ती थी जिसके जरिए ये मिला था और इसने अपना नाम दूसरा बताया था और उसके बाद जब इसकी मुलाकात बढ़ी तो धीरे धीरे इसने दोस्ती की, फ्रेंडशिप की और उसके बाद इसने उसकी कुछ पिक्चर्स अपने मोबाइल में कैच की और उसके बाद उसी पिक्चर के जरिए ये उस छात्रा को ब्लैकमेल करता रहा और उसे विवश किया कि उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाए। और यही वजह है कि जब कल उसने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और अब पीड़िता के परिजनों की शिकायत पे FIR दर्ज हुई है और ये जांच की जा रही है। ठीक है बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, बताया जा रहा है कि ये लड़की की दोस्त का ही कोई दोस्त था और इसने नाम बदलकर लड़की के साथ पहचान बनाई और उसके बाद उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया उसे। देश के कई हिस्सों में लगातार बाढ़ से हालात बेकाबू हैं और इससे यूपी भी अछूता नहीं है, यहां के भी ज्यादातर जिले बाढ़ के भीषण चपेट में हैं। इसको लेकर आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ ग्रस्त सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले, जिसमें वो हर राज्य का अपडेट लेंगे और राहत के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। उधर गोरखपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे खतरा बढ़ गया। दूसरी तरफ घाघरा नदी वो उफान पर है, उसके चलते समस्याएं बढ़ी हुई हैं। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। तो नीरज श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से। मैं शैलेश आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार नीरज के पास मैं जाना चाहता हूं, उनसे हम जमीनी स्थिति समझेंगे कि कितनी आबादी प्रभावित हो रखी है, क्या हालात बाढ़ की वजह से हैं,
किस तरह से नदियां परेशान करें लोगों को। नीरज, आप तस्वीरों के साथ अगर बता सकें बताइए कि क्या हालात वहां पर हैं, बाढ़ के चलते कितनी बड़ी आबादी प्रभावित है, क्योंकि हम बिहार की तस्वीरें देखते हैं, असम की देखते हैं, दूसरी जगहों की देखते हैं, केरल की हम देख रहे हैं, लेकिन यूपी और गोरखपुर का क्या हाल है, कौन कौन सी नदियां उफान पर है? देखिए, अभी बात करें राप्ती की, तो राप्ती और अभी सरयू नदी जो है खतरे के निशान से अभी ऊपर बह रही है। हालांकि नदियां तेजी से घट रही हैं और यही वजह है कि रोहिन का पानी तेजी से नीचे आया है और कुआनो भी खतरे के निशान से नीचे चले। लेकिन फिर भी अगर बात करें कितनी आबादी प्रभावित है, तो मैं बता दूं कि 80,000 के लगभग आबादी प्रभावित है और 45 गांव गोरखपुर आसपास के मैरून हो गए हैं पूरी तरह से, और 120 गांव ऐसे हैं जो आंशिक और पूरी रूप से प्रभावित हैं। तो ऐसे में अभी जब पानी उतर रहा है, ये एक चिंता कम करने वाली बात है, लेकिन फिर भी जो संक्रामक रोग हैं वो फैल सकते हैं, इसलिए लगातार जिला प्रशासन लोगों को अपील कर रहा है कि वे पानी उबाल कर पिएं। लेकिन दिक्कत है बंधे पर रहने वाले लोगों की, जो अपना गांव छोड़कर बंधे पर आकर बसे हुए हैं अपने मवेशियों के साथ, तो वहां संक्रामक रोग फैलने के खतरे हैं। ऐसे में चाहिए कि लोग गर्म करके पानी पिए और लगातार प्रशासन भी यही अपील कर रहा है। ठीक है, ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। एक बार रुक करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करें, ये 11:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि बातचीत होने वाली है। राज्य सरकार क्या कोई विशेष मांग कर सकती है प्रधानमंत्री से कि हमें इतने राहत की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि जानकारी नीरज ही दे रहे हैं कि हजारों की आबादी, करीब 80,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, और ये खाली गोरखपुर का आंकड़ा है, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग 17 जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और सैकड़ों गांव इसके जद में आए हुए हैं। इसी वजह से लगातार राज्य सरकार की तरफ से खाद्यान्न राशन किट इसका वितरण किया जा रहा है, नाव लगाई जा रही है, मेडिकल टीम्स लगाई गई हैं। लेकिन एक तो कोरोना काल में जो राजस्व पर असर पड़ा वो सबके सामने है, और उसके बाद अब ये एक संकट का समय, ऐसे में उन लोगों को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हैं उनको राहत पहुंचाना, तो निश्चित रूप से ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र से कुछ मांग की जा सकती है राहत को लेकर। लगातार अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं, जितने भी बाढ़ग्रस्त राज्य हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। जुलाई में भी प्रधानमंत्री ने कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, हालांकि तब उत्तर प्रदेश का नाम उन जिलों में शामिल नहीं था जब ये वार्ता हुई थी। उस समय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, इस तरह से करीब 7 ऐसे प्रदेश थे। उसके बाद अलग अलग चरण में भी उनकी वार्ता होती रही, और अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, यहाँ पर भी करीब 17 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं और 650 से ऊपर गाँव की संख्या है, तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार के सामने भी एक चुनौती की स्थिति है, सभी लोगों को राहत पहुंचानी है, तो इसके लिए केंद्र से कुछ राहत ज़रूर मांगी जा सकती है। बहरहाल देखना होगा कि बैठक में क्या आगे वार्ता होती है, और संभव है कि केंद्र की तरफ से खुद ही कोई ऐसी घोषणा कर दी जाए, क्योंकि स्थितियां जो है वो लगातार रिपोर्ट जो है वो केंद्र को भी जा रही है, केंद्र की जानकारी में सारी चीज़ें हैं, तो खुद ही प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोई घोषणा भी कर सकते हैं इस बैठक। ठीक है शैलेश, आप नज़र बनाए रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, और नीरज आपका भी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ रहे, बागपत के शाहजहांपुर गांव में मामूली विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पानी निकासी को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे लात घूसे सब कुछ चला, देखते देखते बवाल इतना बढ़ गया कि इलाके में दोनों पक्षों की तरफ से काफी देर तक पथराव होता रहा। दोनों पक्षों से 2 महिलाओं समेत 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। आप पत्थरबाजी को होते हुए देख सकते हैं, छतों पर चढ़े हुए लोग कुछ सड़कों पर हैं और एक दूसरे पर जमकर फेंके जा रहे हैं पत्थर। जख्मी हुए लोग, किसी के माथे से खून टपक रहा है क्योंकि माथे पर पत्थर पड़ लगे हैं, शरीर जख्मी है क्योंकि पत्थर, बच्चे तक भी इसमें शामिल हैं, युवा इसमें शामिल हैं, महिलाएँ इसमें शामिल हैं, करीब 11 लोग इसमें महिलाओं समेत जख्मी हुए। दो पक्षों का बवाल आप सड़कों पर और छतों पर देख सकते हैं। बागपत में की हाल क्या है? कानपुर में बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है और फल बेचने वालों के साथ कानपुर में जमकर मारपीट देखने को मिली। ये मारपीट क्यों की गई ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन महिलाओं ने, बच्चों ने हाथों में डंडे लेकर घेर घेर कर इस फल वाले को पीटा है, मारा है। ये गोविंद नगर थाना इलाके का मामला है, वहीं पर इस फल वाले को लोगों ने मारा है। क्यों मारा है, इसके पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है।
देखिए महिलाओं के हाथों में डंडे हैं, बच्चों के हाथों में डंडे हैं और ये बच्चे भी फल वाले को मारे। देखिए उसके बाद कुछ महिलाओं ने फिर छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जमकर फल वाले को पीट रहे हैं। बीच सड़क पर होता हंगामा आप देखिए और इसमें एक फल वाले को पीटा जा रहा है। तस्वीरों में ये फल वाला बताया जा रहा है जिसको पीटा जा रहा है। इनके बीच में क्या विवाद हुआ था, क्या विवाद का कारण रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरों में फल वाला अकेला दिख रहा है और बाकी सब परिवार वाले जो फल वाले को खूब पीट रहे हैं। रुख अब सोनभद्र का कर रहे हैं जहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। अवैध खनन मामले में खनन माफिया पर एफआईआर हुई है। खनन विभाग ने, आपको बता दें कि खनन माफिया पर मुकदमा करवाया, खनन विभाग ने मुकदमा करवाया, खान अधिकारी की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन के कागजातों में हेरा फेरी, लीज से हटकर खनन करने का ये मामला, लिहाजा एफआईआर हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस की विवेचना के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। ओबरा थाना में अवैध खनन का ये मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त बड़ी खबर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। बिल्ली मारकुंडी थाना इलाके का मामला है जहां तस्वीरें एबीपी गंगा ने दिखाई थी कि कैसे अवैध खनन का खेल जोरों पर है, अवैध खनन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग लगे हुए खनन के कार्य में, अवैध खनन के कार्य में, लिहाजा मामले में कुछ एक्शन जरूर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन कितनी निष्पक्ष कार्रवाई होगी, कितनी जल्दी होगी, क्या खनन माफियाओं को कहीं फायदा तो नहीं पहुंचा दिया जाएगा, सर के सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एबीपी गंगा की खबर का असर यह हुआ है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई। रजत राय के खिलाफ एक खनन चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। उनके द्वारा दी गई तहरीर में यह है कि धीरज राय को जो पट्टा अलॉटेड था उस जमीन से अलग हट करके उनके द्वारा खनन किया जा रहा था और इस प्रकार राजस्व की चोरी की जा रही थी। इसमें चोरी की धाराएं भी लगी हुई हैं। जो खनन अधिकारी की रिपोर्ट है और हमारी विवेचना है, इसके आधार पर इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 साल पहले बीजेपी सांसद कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसे पूरे प्रदेश की सियासत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी भूचाल आना लगभग तय है। इस ऑडियो में माफिया अभय सिंह और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है। इस ऑडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि यह वही ऑडियो है जिसकी सीडी पुलिस ने कोर्ट में दी थी, लेकिन सीडी कोर्ट में नहीं चली। इतना ही नहीं, इस सीडी को सीबीआई भी सबूत के रूप में पेश नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से कृष्णानंद राय हत्याकांड में नामजद मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी समेत कई बड़े नाम लचर सबूतों के चलते बरी हो गए थे। सवाल यह कि सीडी जब कोर्ट में नहीं चली तो अब कैसे चली, अब कैसे वायरल हो रही है, क्या कोई खेल था जो कोर्ट में भी खेला गया और अब वायरल हुई है 15 सालों के बाद अचानक वायरल, वो भी तब जब लखनऊ में एक एनकाउंटर हुआ है और उस एनकाउंटर में हनुमान पांडे जो कि एक आरोपी इस मामले में भी है वो एनकाउंटर में मारा गया, उसके परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इस बीच में ऑडियो का वायरल होना सवाल खड़े करता है। पहले आपको ऑडियो सुनवा देते हैं। जहां एक तरफ 15 साल पहले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा हुआ ऑडियो सामने आया, तो वहीं पर दूसरी तरफ रविवार की सुबह कृष्णानंद हत्याकांड के आरोपी राकेश पांडे और हनुमान पांडे का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, जिसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ राकेश पांडे और हनुमान के पिता ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, पिता का दावा है कि उनके बेटे को यूपी पुलिस ने घर से ले जाकर मारा,
जबकि उसके ऊपर लगे ज्यादातर आरोपों में वो बरी हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है जिसमें राकेश पांडे एनकाउंटर के निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो राकेश पांडे एनकाउंटर मामला और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया। खबर अब अमरोहा से, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी को धमकियां मिल रहे हैं और ये धमकी सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की मिल रहे हैं, उनको बलात्कार कर देने की मिल रहे हैं, रेप और जान से मारने की ये धमकी। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण की उन्होंने बधाई दी, उसके बाद से उनको लगातार दी जा रहे हैं। ये कुछ कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर उनको धमकी दी है। मोहम्मद शमी की पत्नी ने साइबर सेल से इसकी शिकायत कर दी है। शुभकामनाएं, मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू हिंदू समाज के समस्त हिंदू भाई बहनों को दिया। इसी वजह से कुछ कट्टरपंथी मीन माइंडेड लोगों ने मुझे अभद्र भाषा के इस्तेमाल करते हुए कमेंट किया, मुझे यहाँ तक कि मर्डर करने की धमकी दी, मुझे रेप तक करने की धमकी दी। इस बात से मैं असंतुष्ट होकर कोलकाता लाल बाजार CP और साइबर क्राइम में कंप्लेन दिया है। इन लोगों के जो गंदे कमेंट्स और धमकी भरे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपने कंप्लेन में अटैच किया है और मैंने अपने कंप्लेन में लिखा है कि ऐसे अनसोशल लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इन लोगों को सख्त सजा का बंदोबस्त करें। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए ABP गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा आज आगरा और मथुरा के दौरे पर आ रहे हैं। दिनेश शर्मा सबसे पहले सुबह 10 बजे आगरा पहुंचेंगे, जहां पर वो कोरोना को लेकर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर दोपहर 12 बजे मथुरा के लिए निकल जाएंगे। यहां पर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में बैठक करेंगे और जिलाध्यक्ष R महानगर अध्यक्ष से भी मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे के करीब वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आगरा और मथुरा का उनका ये दौरा। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। नितिन, आगरा कितने बजे पहुंचने वाले हैं, क्या क्या कार्यक्रम उनके आगरा में हैं और उसके बाद मथुरा में क्या क्या करेंगे, सिलसिलेवार विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल राजीव, 10 बजे के करीब दिनेश शर्मा डिप्टी CM जो आगरा के प्रभारी भी हैं, वो उनका आगरा आगमन प्रस्तावित है और कोरोना काल में मार्च महीने से उनके बाद ये उनका कार्यक्रम है आगरा में। एक लंबा गैप हो गया और ऐसे में अब उनका 2 जिलों का आज ताबड़तोड़ दौरा है जिसमें वो आगरा पहुंचेंगे। आगरा में उन्होंने वो लगातार एक बार फिर से जो स्थिति बिगड़ रही है कोरोना को लेकर, उसकी समीक्षा बैठक वो सर्किट हाउस में करेंगे। उसके साथ ही करीब थोड़ा समय उन्होंने निकाला है अपने जो संगठन के लोगों के लिए, जिसमें महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और गिरिराज सिंह कुशवाहा जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे। हालांकि कोई जो तय कार्यक्रम आया है उसमें जनप्रतिनिधियों यानी विधायक सांसदों से मिलने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं से भी भेंट करने की पूरी संभावना बनी हुई है। उसके बाद ही वो सड़क मार्ग से वो मथुरा के लिए रवाना होंगे और मथुरा पहुंचकर वो वहां कलेक्ट्रेट सभागार में जन्माष्टमी को लेकर जो भव्य आयोजन हर साल होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना का छाया है और ऐसे में क्या क्या इंतजाम रहने वाले हैं, कोविड प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करेंगे, भक्तों के लिए क्या इंतजाम रहने वाले, क्योंकि इस बार अलाउड नहीं किया गया है मंदिरों में पर अनुमति नहीं है, तो ऐसे में उसको लेकर वो मथुरा के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वहाँ भी वो महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग करेंगे और 4 बजे वहाँ से उनका निकलने का प्रोग्राम है। तो कुल मिला के कहा जाए जो करीब 6 घंटे का 2 जिलों का उनका प्रोग्राम है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और कई सारे कार्यक्रम इस दरमियान उनको निपटाने हैं, व्यवस्थाओं की समीक्षा करनी है। आगरा में चूंकि कोरोना को लेकर जो लगातार स्थिति लगातार फिर से बिगड़ रही है और 2100 के पार मरीज पहुंच चुके हैं और लगातार मौतें हो रही, तो उसको लेकर भी लगातार सरकार चिंतित है। तो ऐसे में पूरी जो क्या व्यवस्था है प्रशासनिक उसकी लेकर ठीक है। आप नितिन नजर बनाए रखिए उनके इस पूरे दौरे पर, हम आगे भी आपसे अपडेट फिलहाल लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। यूपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं,
लेकिन सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है। यहां पर पट्टाधारक और अवैध खनन करने वाले खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से लगातार पत्थर और बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सरकारी नियम एक तरफ और माफियागिरी दूसरी तरफ। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया ने कागजों में हेराफेरी करके अपनी अलग ही नीति बना ली और दूसरे की जमीन का पट्टा हासिल कर लिया। हालांकि शिकायत और जांच सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन खनन माफिया की दबंगई नहीं गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अवैध खननकर्ता के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और रिकवरी के लिए टीम गठित किया है। शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराई गई, उसमें उसे दोषी पाया गया, तत्काल FIR की कार्रवाई की जा रही और जितना अवैध खनन किया था उसके मूल्य के बराबर जितना मूल्य का अवैध खनन किया गया उसकी रिकवरी जारी करने के लिए टीम का गठन कर दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर यहां कम ही देखने को मिलता है और इस खेल में सरकार को करोड़ों का चूना भी लगता है। उसमें जितने भी अवैध खनन करता है कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की आरसीज है जो पेंडिंग है, जिनपे हम कार्य कर रहे हैं। कुछ में न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिए इसके कारण लंबित है और कुछ में हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। सवाल अहम है कि पट्टा देते समय ही प्रशासन द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? माफिया तंत्र रहकर हावी क्यों हो जाता है? ABP गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी। और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए पहाड़ प्रभात मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।